गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे टॉपिक आरडीएस। सबसे पहले कहते हैं हम इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन में आरडीएस की फुल फॉर्म रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जो कि मोस्ट प्रोबेबली सीवियर लंग्स डिजीज है, जो बच्चों में होती है, न्यू बॉर्न्स में होती है, जो इमेच्योरिटी और इनहेबिलिटी पे डिपेंड करती है। इमेच्योरिटी एंड इनहेबिलिटी, सॉरी, मेच्योरिटी एंड इनहेबिलिटी पे डिपेंड करती है। मैच्योरिटी एंड इनहेबिलिटी डिपेंड करती है, जिसके सामने जो इनसे दोनों से जो रिजल्ट आता है सामने, वो आता है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया या एसिडोसिस। जाहिर सी बात है, हाइपोक्सिया मतलब है लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कमी आएगी तो लंग्स में एसिड तो बनेगा ही, तो एसिडोसिस तो होना ही नहीं। एसिडोसिस तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम एक न्यूबोर्न सीवर लंग डिजीज है, जो मेजोरिटी एंड इम्यूनिटी पे डिपेंड करती है। इन दोनों के कारण जो रिजल्ट सामने आता है वो हाइपोक्सिया, यानी लैक ऑक्सीजन। लैक ऑक्सीजन कारण एसिड बनता है, यानी एसिडोसिस तो होता ही है। अब लेते हैं इसमें डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या है, जैसे कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, डिस्ट्रेस सिंड्रोम विद एब्सेंस या डेफिशिएंसी और लंग सर्फेक्टेंट इज एब्सेंट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। यही लंग सर्फेक्टेंट का एब्सेंट होना रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कहलाता है। लंग सर्फेक्टेंट का क्या कार्य होता है, यह टाइप सेकेंड सेल्स होती है, उनके द्वारा ये स्टिमुलेट होते हैं और इनको न्यूमोसाइट टाइप सेकेंड नाम से भी जाना जाता है। यह जो होता है मिक्सर होता है लिपिड्स एंड प्रोटीन्स का, यानी फाइलोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स का लिपिड्स होता है, जिसमें 70-80% तो लिपिड्स होता है एंड 10% प्रोटीन्स और 10% अदर लिपिड्स होते हैं। तो ये एलवियोलर टाइप सेकेंड सेल्स के द्वारा स्टिमुलेट होते हैं, जिसका कार्य होता है जो प्रोटीन एंड लिपिड्स का मिक्सर होता है, इनका कार्य होता है ये लंग्स के अंदर जो एयर है या CO2 या सॉरी O2 है, उनके जो सतह पे जो टेंशन होता है उसको कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं। नेक्स्ट में लेते हैं ये इनका जो प्रोडक्शन टाइम होता है लंग सर्फेक्टेंट का, वह 20 वीक्स और 36 वीक्स होता है। ये कंप्लीट रूप से 30 वीक्स में बन जाते हैं। लंग्स मिलने का जो प्रोडक्शन होता है 20 वीक्स एंड 36 वीक्स, ये परफॉर्म करते हैं विसिथिन, लाइसिथिन एंड स्पिंगोमाइलिन एक परफॉर्म करते हैं, कार्य करते हैं, यानी विसिथिन एंड स्पिंगोमाइलिन जो रोमन रेशियो होता है वो 2:1 होता है। अगर इससे कम है तो ये इनफेक्ट लंग्स की मेजोरिटी को मतलब इंडिकेट करते हैं कि ये नॉर्मल वैल्यू है, ये नॉर्मल रेशियो है इसका। लेसिथिन एंड स्पिंगोमाइसिन के द्वारा हम ये एक मार्कर होता है, इसके द्वारा हम लंग्स मेजोरिटी को मार्क करते हैं, जिसका नॉर्मल रेशियो है 2:1। अगर इससे कम है तो वह
लंच मैच्योरिटी को इंडिकेट करता है, यानी आरडीएस को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट इसमें देते हैं रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर पहला है रिटर्न, सेकंड है इन इन्फेंट ए डायबिटीज डायबिटिक मदर। डायबिटिक मदर यदि होने वाला जो न्यूबॉर्न है उसमें अगर इंसुलिन की मात्रा बढ़ी होगी तो वो क्या करेगा, जो लंग्स सफेक्टेंट है उसकी जो है ये प्रोडक्शन को रिड्यूस करता है या देरी से बनाता है, इस कारण से डायबिटिक मदर रिस्क फैक्टर में ही डायबिटिक जो आता है मदर में, डायबिटिक मदर वो इस कारण से इसको रिस्क फैक्टर मानते हैं। नेक्स्ट देते हैं आपके क्लिनिकल या मैनिफेस्टेशन, जो साइन सिम्टम क्या होता है। पहला इसमें रेस्पिरेटरी होता है, सिम्टम होता है कि जो रेस्पिरेटरी स्ट्रेस का जो सिम्टम है वो 5 to 6 फोर्स में हमें फोर्स घंटों में पता पड़ता है या मालूम होता है। और जो सिम्टम साइन होते हैं वो पहला होता है टैकीपिया यानी इंक्रीज ऑफ द रेस्पिरेटरी रेट, दूसरा होता है नेजल फ्लेयरिंग, तीसरा साइनोसिस इंटरकोस्टल डिस्ट्रक्शन एंड नेजल फ्लेयरिंग साइनोसिस इंटरकोस्टल डिस्ट्रक्शन एंड टैकीपिया ये इसके साइन होते हैं। तो नेक्स्ट लेते हैं हम इसमें डायग्नोसिस, क्या हम डायग्नोस कैसे करेंगे आरडीएस को कि ये ब्लड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम न्यूबॉर्न में है। पहले सबसे लेते हैं हम इसमें एबीजी आरटी ब्लड गैस एनालिसिस द्वारा हम इसको एसेस करते हैं। इसमें क्या करते हैं गैस आरटी गैस जैसे कि CO2 और O2 जो गैसेस होती है उनको हम एनालिसिस करते हैं। इसमें भी नॉर्मल वैल्यू होती है, मैं अब नॉर्मल और इधर नॉर्मल वैल्यू लिख रहा हूँ, इधर नॉर्मल अब नॉर्मल वैल्यू है एफ जी ये अब नॉर्मल वैल्यू है, नॉर्मल वैल्यू से लिख रहा हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे। तो इसमें नॉर्मल वैल्यू होगी एबनॉर्मल एमएमओएलजी तो ये होगी आरटी ब्लड गैस एनालिसिस को हम कैसे एनालिसिस करते हैं डायग्नोस के अंदर आरडीएस को। यह ये अंदर वैल्यू है वो नॉर्मल वैल्यू है, दोनों को आप दे दीजिए आराम से। नेक्स्ट लेते हैं हम इसमें डायग्नोस में हम इसके नाम से ही है जिसके सेक करना किसी चीज को एक दूसरे में मिलाना सेक करना उसको सेक कैसे कहते हैं। इसमें क्या करते हैं 0.5 ml को देते हैं हम इसमें एमनोटिक फ्लूइड और 0.5 ml लेते हैं इसमें NS और 1 ml लेते हैं इथेनॉल। ये तीनों मिक्सर होता है, इन तीनों को हम सेक करते हैं किसी ट्यूब में सेक करके हम ये फाइंडिंग पाते हैं कि अगर बबल्स अपीयर है तो लीवर मैच्योरिटी है यानी लीवर मैच्योर है, अगर बबल्स एब्सेंट है यानी बबल्स नहीं आ रहे तो वो शो करेगा लंग्स सर्फेंटेंट को यानी एब्सेंट ऑफ लंग्स सर्फेंटेंट को वो शो करेगा। तो सेकेंड टेस्ट जो होता है सेक टेस्ट डायग्नोसिस पहला नाम लिया एबीजी, दूसरा लिया सेक टेस्ट। अब लेते हैं हम तीसरा डायग्नोस में एक्सरे। एक्सरे के दौरान हम आरडीएस की सिविल कंडीशन के दौरान हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज जो हो जाती है जो एक्सरे के दौरान शो करती है जिसमें जो एपरेशन होता है उसका शो करने का वो होता है ग्राउंड ग्लास और मेटल टाइप की एक जो लेयर होती है ये थिक होती है, इसके कारण एक्सरे द्वारा हम उसको आसानी से डायग्नोस कर सकते हैं। अब लेते हैं हम नेक्स्ट इसमें मैनेजमेंट, क्या हम कैसे मैनेज करेंगे आरडीएस को अगर हो गया तो। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम प्रॉपर मॉनिटर करेंगे रेस्पिरेटरी रेट को,
ये रेस्पिरेशन वैल्यू क्या कर रही है, ब्रीथिंग साइड जो भी है वो हम प्रॉपर रेस्पिरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। सेकंड इसमें लेते हैं सीपैप, सेकंड मैनेजमेंट के अंदर है सीपैप, कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, यानी जो ये क्या करता है, ये करता है वेंटिलेशन के लिए प्रिवेंट करता है, जो एल्वोला है उसमें कोलेप्स हो रहा है उसको ये प्रिवेंट करता है, इसलिए सीपीएफ इसमें मस्ट है आरडीएस के अंदर, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के अंदर। थर्ड जो उसमें लेते हैं हम आरटीपीसीएल लंग सफर टैंक को इसमें एडमिट करते हैं, जो रूट रहता है वो रहता है इंडोट्रेकियल रूट टू कंडीशन टू ट्रीट द दिस आरडीएस। अब लेते हैं प्रिवेंशन, इसमें क्या क्या प्रिवेंशन लेते हैं, मोस्ट ऑफली इसमें दो ही प्रिवेंशन है, पहला है डेटामेथासोन, दूसरा डेक्सामेथासोन। बेटा मैं तुम 12 mg की दो दी जाती है, दो डोज दी जाती है, एंड सेम जो रूट रहता है वो आई भी रहता है, और सेम डोज टू डेक्सामेथासोन की होती है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट टॉपिक आरडीएस न्यूबॉर्न रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। थैंक यू एवरीवन।